नाजिम, वेलकम बैक इन चाय टाइम। और आज हम बात कर रहे हैं यूथ के हवाले से। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, जितने लोगों ने कॉल की है, इंक्लूडिंग रमशा, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। और कोई भी अगर आना चाहता है और अपने इशूज डिस्कस करना चाहता है तो फेसबुक पे हमारा पेज है, इसके अलावा हमारा नंबर भी है जिस पे आप हमें कॉल करके रजिस्टर हो सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, अपने इशू डिस्कस कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा इशू नाजिम नकल, और आजकल हर रोज टीवी चैनल्स पे आप देख रहे हैं कि बुक्स पड़ी होती हैं, लोग जो फसलें जहाँ पे उगती हैं वहाँ से पेपर्स उठा के लेकर आते हैं और लोग हेल्प कर रहे हैं, चढ़ चढ़ के जाते हैं वहाँ पे पेपर देने के लिए। आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी से लोग हैं, हमें अपना अपना एक्सपीरियंस बताएं, या तो खुद नकल करने का कोई मसला नहीं, साथ को दे देना, साथ से शुरू करो जल्दी। क्या चीटिंग हुई, क्या चीटिंग करते हुए देखी, कभी किसी को पकड़ के किया कि नहीं यार ये इसने चीटिंग की है, खुद भी करते थे साथ ऐसे पूछ रही हूं। थोड़ा बहुत तो कर लेते थे कभी यार। अच्छा कैसे होती थी, डर लगता है, खौफ आ रहा होता है चीटिंग कर, लोग तो नहीं डरते ज्यादा, बिल्कुल खौफ होता है। वो जो माइक्रो आते थे वो जो एक नहीं, होता नहीं, ऐसे नहीं, बस आगे पीछे से कुछ पूछ लिया। अब भी आते हैं वो, कह रही आहा यूज करती हैं, बिल्कुल इधर इधर साउथ इसको दो। आगे जरा इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन लिख के गई होगी ना। कभी चीटिंग नहीं की है लेकिन मैंने चीटिंग करते हुए देखा है लोगों को। कैसे लोग माइक्रो करवा के, लड़कियां चीटिंग कैसे करती हैं वैसे, लड़कियां कैमरे के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, तो मोबाइल तो अलाउ नहीं होते अब, यूज करना हाथ के ऊपर यहाँ लिख के लाती हैं, मैंने खुद देखा है, पतले पतले हाथों में आप कहाँ लिख के जाएंगे। लेकिन आप क्या क्या लिख लेंगे इस पेपर पे, आपको कुछ भी फॉर्मूले या कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह का पेपर के अंदर, जो भी आपको याद नहीं रहता जहन में। अच्छा नकल करने के लिए भी अगर चीटिंग करनी हो ना तो फिर कभी कोई लड़कियां चीटिंग कर रही होती हैं तो आप उनको ना यहाँ पे लिख लिया करें, अगर अगर आपको, और धोइएगा मत कभी भी उसको, ये ना हो कि आपने धो दिया, संध्या धो चुकी है अपना यूनिफॉर्म। अच्छा मुझे बताएं, नकल करने के लिए भी आप सब लोग इस बात पे एग्री होंगे, अकल की बड़ी जरूरत होती है और टाइम कितना लगता होगा, वही चीज वो लिखते लिखते याद हो जानी नहीं होती, मतलब आप लेकिन ऐसे नकल करके बहुत से लोग पास हो जाते हैं यार, वो लोग अच्छी पोस्ट पे चले जाते हैं तो अफसोस नहीं होता। तो क्राइटेरिया ये है ना कि यू जस्ट हैव टू पास योर एग्जामिनेशन। कितने परसेंट मार्क्स चाहिए होते हैं आपको पास होने के लिए? 40% डिपेंड करता है, 50% भी है उनके लिए ना। आपका 3 घंटे का पेपर है, ड्यूरिंग दैट 3 आवर्स आपके लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि आप पासिंग मार्क्स हासिल कर लो। हाँ। लेकिन जो आदमी पढ़ के नहीं गया, जिसको कुछ भी नॉलेज अच्छा, नहीं, उसको नहीं आता, जो स्टूडेंट है उसको इतना पता है कि 2+2 किस तरह लिखा जाएगा, आप उसे 4 ब्रैकेट्स के अंदर डाल लिया जाए, ठीक है 2 मरतबा डिवीजन करा दी जाए, इतना तो कॉन्सेप्ट है ना उसे। हाँ। लेकिन वो अब दिमाग बना हुआ है ना कि उसको छापू है, यानी कि ये सब तो एक नजर में देखेगा उसे पता है कि कितनी स्पीड पे उसे लिखना है। अच्छा ये जो है ना एक फैशन बन गई है, थोड़ा सा एक फैशन हो गया कि जब तक चीटिंग नहीं करेंगे ना तो आयशा भवानी के स्टूडेंट राजी, इन्होंने एक पॉइंट रेस किया था, बहुत सारी रीजन है, कुछ लोग तफरीक में चीटिंग करते हैं, कुछ लोग उन्हें पढ़ना ही नहीं होता ना, मकसद ही नहीं होता उनका, पढ़ना नहीं है बस मार्क्स आ जाए, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको मजबूरन इस चीज का करना पड़ता है क्योंकि उनके टीचर्स जो होते हैं, कुछ टीचर्स बड़े मिलिशियस होते हैं, मैं इस वक्त बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगी कि टीचर्स का कोई फॉल्ट होता है, बट बहुत लोग प्रेशर में आते हैं या सिस्टम इस तरह होता है, वो इतने टफ पेपर्स बनाते हैं कि ये भी पैसा बनाने का एक टेक्निक है, क्योंकि अगर 50 बच्चे फेल हुए तो 50 वापस रजिस्टर करेंगे, उसके पेपर दिलवाते हैं। तो आप जो बता रहे थे कि आपके टीचर ने ऑलरेडी बोल दिया था किस तरह का एग्जाम आएगा, कि सप्ली लगेगी, क्यों लगता है आपको ऐसा होता है? क्योंकि उन्होंने इस तरह जो उनका तालीम का जो वजीर था वो चेंज हुआ है इस दफ़ा, उन्होंने बोला था कि मैं मयार बदलूंगा तालीम का, जैसे ही क्लास में बैठे हुए थे तो सर आए, कोई कर नहीं पाया मतलब चीटिंग, तो उन्होंने 500 रुपीज़ दिए बच्चे से लिए, उन्होंने करने दिया लास्ट 1 आवर करने दिए, और बोलते हैं जैसे ही बोर्ड की टीम आएगी प्रिंसिपल आएगी सीटी मार दे। तो तुम में से किसी, तुम्हारे सामने हुआ था ना ये जी, तुमने जब तुमने कहा था कि बोर्ड की टीम आई होगी तो कभी किसी ने स्टैंड लिया, मैं तुम्हारी बात नहीं करी, किसी ने भी स्टैंड लिया कि नहीं कर रहे हैं? बिकॉज़ वो सब लोग फंसे हुए, उन्होंने सीटी बजा दी थी कि मैं बता दूंगा तुम्हें, सब बच्चों से पैसे, टीचर्स भी इन्वॉल्व होते हैं ना यार, इसको दो माइक और मुझे बताओ कितने बच्चे थे, एक सेकंड मुझे पूछो, दो 40 बच्चे थे एक क्लास में, और 40 बच्चे यानी कि 140 70,000 उन्होंने बना लिए एक रूम में थे, बहुत से तो ऐसे थे जो याद मतलब अपना करके आए, मैं तो सोच रही टीचर बन जाऊंगा, मैं तुम ना टीचर अच्छी सी टीचर, इन्विजिलेटर बन जाते बोर्ड। लेकिन एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं कि मैंने खुद पहले ओ लेवल्स किया, फिर इंटरमीडिएट मैंने किया, ठीक है, तो डिफरेंस जो मैं देखता हूँ दोनों सिस्टम में कि ओ लेवल्स के एग्जामिनेशन के लिए मैं वहाँ पर जाया करता था तो इन्विजिलेटर्स भी होते थे, वहाँ के सेंटर के लोग भी होते थे, तो कोई चांस नहीं होता था। अब जैसे कि ये कह रहे हैं कि इंटरमीडिएट में मैं जानता हूँ कि टीम आई उसी फॉरी टेम्परेरी टाइम के लिए आती है, उन्हें पता था इस टाइम पे आएंगे उस तक सारी ड्यूटी पे लग जाएंगे, और जब वो गए वापस अपने काम पे आ गए, ठीक है। लेकिन अगर आप और दूसरे सिस्टम आगा खान बोर्ड देखें या ओल्ड वे सिस्टम वगैरह देखें कैमरे सिस्टम, तो वहाँ पे उस वक्त मौजूद रहते हैं हर वक्त, यानी कि ब्रिटिश काउंसिल से भी लोग आए हुए, तो जब तक पूरे पेपर नहीं हो जाएंगे
जब तक उन्हें पता है कि क्या है क्या नहीं, अगर जरा सा वो लोग भी मिसमैनेजमेंट करेंगे तो उनके पल्ले आ जाएगा। अच्छा नाज़रीन एक और एग्जाम्पल है सिस्टम में जो होता है CSS, जिसकी जिसको पास करने पर आप लोग गवर्नमेंट सर्विसेज में लग सकते हैं या कोई भी गवर्नमेंट हुकूमती इदारे में। किसको शौक है एक तो हुकूमत को सर्व करने का या प्राइम मिनिस्टर की सीट तक पहुंचने का? प्राइम मिनिस्टर की सीट तक तो नहीं, लेकिन एज अ सोशल वर्कर जो है वो सर्व करने का जो तुम्हारे बराबर बैठा है, तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनने का शौक है? कहीं वही देख रहे हैं, कौन से ख्वाब देख रहे हैं आप अली बताएं जरा, तो उसे पीछे होना साउथ क्या है दिमाग में आज ये वो सोचने लग गया मैं प्राइम मिनिस्टर होऊंगा, अनिल कपूर मैं खत नहीं लिखूंगा। अनिल कपूर की एक मूवी थी ना, कौन सी थी वो, उसमें एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनता है नायक, वो देखा मूवी याद है हमारे लोगों के पास बहुत नॉलेज है। किसी को नायक वाला चांस मिले एक दिन के लिए हुकूमत को, मतलब आप लिटरली संभालने का रूल कर रहे हैं, क्या चेंज? ये सबसे पूछूंगी मैं, साथ आपसे स्टार्ट करूंगी। एक दिन के लिए अगर आपको, मैं ये नहीं कह रही कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए, आप ऐसी चीज बन जाए, मैं नाम नहीं ले रही। अच्छा यहाँ पे और भी जितनी लड़कियां आ रही है साथ उनको देख रहे हैं कौन कौन? हाँ साथ बताओ जी। अगर आपको किराने की मिल जाए ठीक है, या तो आप चले आपको गिलानी साहब गिलानी हाँ, प्राइम मिनिस्टर की आपको जगह मिल जाए एक दिन के लिए, क्या वो ऐसा एक चीज है जो आप चाहेंगे कि पास करवा दे रेजोल्यूशन? मैं सबसे पहले तो वर्ल्ड टूर कर लूंगा उनकी तरह पूरा वर्ल्ड टूर, वेरी ऑनर। हमारे 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 खर्चे पे तुम वर्ल्ड टूर करोगे ना, वो भी यही करते हैं। अच्छा जब आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं ना, दिमाग में चीजें होती हैं कि ये करना है, चार टाइम जाएगा वर्ल्ड टूर, चार टाइम हमें। अली आप क्या करेंगे? अली क्या करोगे? मैं एजुकेशन के लिए कुछ करूंगा क्योंकि अनलाइक प्राइम मिनिस्टर। यस हां ओके, इट्स नॉट इन माय नॉलेज। क्या करोगे? कुछ भी, यानी कि सबसे पहले बजट बढ़ाऊंगा एजुकेशन का। किस से? अच्छा बजट एक लिमिटेड चीज होती है, कौन सा बजट कम करके एजुकेशन पे डालोगे? डिफेंस सन या ये चाहती खुद बोलेंगे। अच्छा तुम भी सोच रही थी कैसे कम डिफेंस का बजट कैसे कम कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? अच्छा वो वाला डिफेंस नहीं, एक अलग शो है ये वाला डिफेंस। अच्छा अच्छा आप बताइए तुम, एक दिन के लिए अगर जी अगर मैं कुछ बन दूं एक दिन के लिए, तो मैं एक चीज ही करूंगा, वो सिर्फ ये करूंगा कि सोशल वर्क का जो सब्जेक्ट है ना उसको जो है लाजिम कर दूंगा हर इदारे के अंदर। जबरदस्त, कि जरूरी है कि हर स्टूडेंट जब तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी इदारे में जाके सर्व नहीं करता वो आगे नहीं करता। अच्छा और तुम पॉलिटिशियन बन सकते हो पता है, आई हैव अ फीलिंग डीप डाउन। मैं ये करूंगी कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गई तो मैं जितने भी करप्ट मिनिस्टर्स है ना सबसे पहले उनको फारिग कर दूंगी। पहले हम तुम्हें करेंगे फारिग, चलो पर्ची सिस्टम खत्म करूंगी। पर्ची सिस्टम खत्म, पर्ची सिस्टम सोर्स आपकी पवा खत्म करेंगे, आपसे स्टार्ट करेंगे हम। ये लो पकड़ो अपने माइक। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपके जो मिनिस्ट्री सिस्टम जो है फ्रॉम द टॉप टिल द बॉटम सारा आपको जल्दी, अच्छा मतलब पढ़े लिखे लोग के क्राइटेरिया सेट हो जाएगा कि भाई जो है उनकी जो डिग्री लेकर आ रहे हैं वो वेरीफाइड होगी, पढ़े लिखे तबकात के लोग आएंगे तो वही लोग चेंज, पढ़े लिखे लोगों को जॉब मिले आगे। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर एक दिन के लिए तो मैं हर सिटीजन को वो फैसिलिटीज फराहम करूंगा जो कि हर मतलब सिटीजन को देनी चाहिए, और 500 वापस लोगे अपने, ठीक है डन है, 70,000 वापस। सबसे पहली बात पॉलिटिशियंस पसंद ही नहीं है, पॉलिटिशियंस किसी को नहीं पसंद बेटा, बन भी गया हाँ तो पूरा दिन आराम करूंगा और कुछ नहीं करना मुझे। चलो प्राइम मिनिस्टर बनो तो ये सब चीजें करना, देखो मेरे दिल की ख्वाहिश है तुम भी आराम करो, तुम वर्ल्ड टूर पे भी जाओ। चले आप बताएं फिर के ना, मैं जो यही रूल एंड रेगुलेशन से करवाऊंगी अगर करवा सकी तो। अच्छा सनी आप क्या करेंगी? मैं भी आराम करूंगी मैं कुछ भी कर लूं लेकिन मैं खत नहीं लिखूंगी, कुछ भी हो जाए मैं भी खत नहीं लिखूंगी। वैसे भी खत का जमाना नहीं है ज़ाइला, ईमेल टेक्स्ट करेंगे तुम लोग। अरे मोबाइल की बात करते हैं तो अच्छा एक गाना गाते हैं, गाना टाइम कम रहेगा ना बस। बड़े अच्छे सिंगर हमारे साथ मौजूद हैं, अवैस मल्टा स्टार है, उसको बहुत सी चीजें आती हैं। एक मिनट है 30 सेकंड से गाना गाओ ताकि हम 30 सेकंड में क्लोज करें। कौन सा गाना गाओ? कोई भी जो आपको अच्छा लगता है। अच्छा चलो हम लोग जब तक खुदाफिस कर लेते हैं तुम गाना सोच लो। नाज़रीन आई एम श्योर आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, बहुत सारी चीज़ें हमने इनसे भी जानी, इनके जो मसाइल थे वो भी हमने जाने, और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इन मसाइल का हल तलाश करें इन्हीं के साथ बैठ के, इन्हीं के साथ इस बैठक में। आप हमें अगर आना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में तो फेसबुक पर हमारा पेज है, उस पर भी बता सकते हैं, और इसके अलावा हमें कॉल भी कर सकते हैं। और ज़ाला बस बहुत बोलिया मैंने, गाना बोलिया आपने। अच्छा हम गाने के साथ अपना एंड करेंगे नाज़रीन, बल्कि देखूंगा तुम बात, मैं तो देखूंगा आता है आपको स्ट्रिंग्स वाला, मैं तो देखूंगा। अच्छा खैर चलो सही, बिल्कुल आप नया गाना सुनाएं, डन है। नाज़रीन इसी के साथ साथ हमें दीजिए आप लोग इजाजत, हर शो के एंड में जिस तरह हम लोग आपको ये कहते हैं, स्पेशली एज यूथ ऑफ पाकिस्तान, यूथ ऑफ एनी कंट्री, सिटीजन होने के नाते से अपने हक को जानिए और मांगिए मत, उसके लिए लड़िए और छीनिए अपने हक को। इसी के साथ साथ हमें अपनी दुआओं में याद रखिए, इन लोगों को भी अपनी दुआओं में याद रखिए, रमशा को बेस्ट ऑफ लक फॉर हर सोशियोलॉजी एग्जाम,
मजीद न्यूज़ और एंटरटेनमेंट के लिए देखते रहिए मेरी पहचान से एनबीसी पाकिस्तान। हम सब मिलकर कहेंगे हर हाल में और हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो प्लीज जल्दी योर सॉन्ग। हे आसमां सितारे और जमीन, पाक जमीन पे ये आया कारवां, ऐसा कुछ न था पहले तो कभी, अब बन गया है जहां में निशान, हम सबकी है ये जान हमारी पहचान, हम भी हैं इससे हमारे साथ है YSR इसके पास बार, इरफान और जिशान, फहद है कप्तान और इनके दम से है YSR।